बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन ने बना रहे हैं सिर्फ 30 रुपये में जार भरकर टमाटर प्यूरी। आप बआसानी घर पर बना सकते हैं। यकीन से कहती हूँ कि जब आप ये एक दफ़ा टमाटर प्यूरी घर पर बनाएंगे तो आप बाज़ार की भूल जाएंगे। तो अब चलिए टमाटर प्यूरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर प्यूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 किलो यानी कि 2 kg टमाटर लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इस तरह से टमाटर जो है वो ताज़े ताज़े होने चाहिए, इससे जो है प्यूरी अच्छी बनेगी। इन्हें साइड पर करेंगे और एक प्लेट में टमाटर लेंगे और इस तरह से हम ऊपर वाला हिस्सा रिमूव कर देंगे। टमाटर आप थोड़े गले वगैरह लेंगे तो प्यूरी जल्दी ख़राब भी हो जाएगी और सालन भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं सभी टमाटर्स की हमने कटिंग कर ली है। तो अब चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक अदद कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने कट किए थे और फ्लेम भी ऑन कर लेंगे। तो टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं, अब एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर से कवर करेंगे 15 मिनट तक और फ्लेम को हल्का कर देंगे। अब माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं, कवर रिमूव करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप देख सकते हैं फ्लेम जो है बिल्कुल हमने हल्की की हुई है। अब एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं जो टमाटर थे वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मज़ीद हम 15 मिनट तक ऊपर से कवर कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ टमाटर ऐसे हैं जो कि अभी तक गले नहीं हैं। ऊपर से कवर करेंगे और इसी पानी में जो है वो टमाटर और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं कवर किए हुए। अब कवर रिमूव करेंगे और मिक्स करेंगे। अब इस तरह से हम एक अदद आलू मैचर लेंगे, जिससे आलू मैच करते हैं, और इसकी मदद से हम इस तरह से टमाटरों को हम पीस लेंगे। अगर आपके पास ये आलू मैचर नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी इनको पीस सकते हैं, लकड़ी वाले चम्मच से। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और टमाटर प्यूरी को ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। तो फिर आगे चल के बताते हैं क्या करना है अब हमें। और अभी भी अच्छी तरह से पीसा नहीं है, हम एक दफ़ा इसे ग्राइंडर में ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे करेंगे साइड पे और अब इस तरह से एक जूसर जग लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर प्यूरी। तो टमाटर प्यूरी को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, तो अब हमें एक दफ़ा छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो टमाटर के बीज हैं वो निकल जाए और बिल्कुल क्लीन टमाटर प्यूरी बन जाए। अब इस तरह से एक बाउल लेंगे और एक छन्नी लेंगे, इसकी मदद से हम टमाटर प्यूरी को छान लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं टमाटर के जितने भी बीज थे वो सभी निकल चुके हैं छन्नी की मदद से। इसी तरह से आपने थोड़ी बड़े होल वाली लेनी है ताकि प्यूरी निकल जाए और टमाटर के जो बीज हैं वो छन्नी के अंदर ही रह जाएं। और अब इन बीजों को हम फेंक देंगे। तो अब आप देख सकते हैं टमाटर के जितने भी बीज थे वो अच्छी तरह से निकल चुके हैं और बिल्कुल क्लीन जो है वो प्यूरी बन चुकी है। अभी इसे हम मजीद पकाएंगे। तो अब चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब दोबारा से हम एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे प्यूरी। अब इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें बुरबुरियां सी आने शुरू हो चुकी हैं। ऊपर से कवर करेंगे 10 मिनट तक और फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल कम कर देनी है, और बीच में आप चेक भी कर लीजिएगा एक दो दफा। 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कवर रिमूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये थिक थिक सा हो चुका है। सो अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे सिट्रिक एसिड या फिर टार्ट्री। बहुत ही आसानी से किसी भी आप शॉप में जाएंगे तो आप उन्हें टार्ट्री या सिट्रिक एसिड बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे। ऐड कर देंगे तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मजीद 2 मिनट तक हम पकाएंगे टमाटर प्यूरी को। अब मजीद हम टमाटर सॉस को 2 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ही कम बजट में आप ये टमाटर सॉस बना सकते हैं, क्योंकि अभी जो टमाटर है वो काफ़ी सस्ता रेट चल रहा है टमाटरों का। तो अभी आप टमाटर प्यूरी बनाकर रख देंगे तो आप बहुत ही आसानी से रमज़ान में भी या फिर ऐसे भी सालन में ऐड कर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनेगा ग्रेवी वाला। सिर्फ 50 रुपये में बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर सॉस बना सकते हैं आप। टमाटर प्यूरी को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब एक ट्रे लेंगे और इसके अंदर हम अभी आप देख सकते हैं ये जो है प्यूरी अभी पानी छोड़ी है, मतलब कि इसको हमने मज़ीद अभी पकाना है। मजीद हम प्यूरी को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम दोबारा से टमाटर सॉस को चेक कर लेंगे। पहले जो है टमाटर प्यूरी में से पानी निकल रहा था, अब आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, मतलब कि टमाटर प्यूरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है इस तरह से।
सो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये टमाटर प्यूरी और भी गाढ़ी हो जाएगी। टमाटर प्यूरी को आप ठंडा करेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक रख देंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब फाइनली हम टमाटर प्यूरी को डिश आउट करेंगे। इस तरह से हमने एक कांच का जार लिया है, आप चाहें तो किसी भी चीज में इसे सेव कर सकते हैं। इसी तरह से हमने एक छोटे साइज का जार लिया, इसमें भी हम टमाटर प्यूरी को ऐड कर देंगे। और जार जो है वो बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, वरना तो ये जो टमाटर प्यूरी है ख़राब हो सकती है। तो अब फाइनली हमने टमाटर प्यूरी को जार्स में ऐड कर दिया है। बहुत ही आसानी से घर पर आप टमाटर प्यूरी बना सकते हैं। इसके ऊपर से हम जार के ढक्कन की वजह से कवर कर देंगे और आप इस प्यूरी को 5 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ी कम क्वांटिटी बनाई है, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम तक चलेगी। टमाटर प्यूरी की रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइए। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप घर पर टमाटर प्यूरी बना सकते हैं। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।